संस्कार सावंत, और आज हम लोग आए एक नई लोकेशन ढूंढने के लिए। हमें एग्जैक्टली नहीं पता ये लोकेशन क्या है, बिकॉज हम लोगों ने सिर्फ इसको गूगल मैप्स पे देखा है एंड हम लोगों ने अब तक रियल लाइफ में देखा नहीं है। एंड हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, मीट आगे जा रहा है एंड हमको नहीं पता वो लोकेशन क्या है। मतलब बस गूगल मैप पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बस वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। जब हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं, हमारी गाड़ी हमने वहाँ पे छोड़ दी है एंड यहाँ पे हमें एक ब्रिज दिखा दिया, तो हम लोग उसके जरिए हम लोग इस साइड में क्रॉस करेंगे। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जो गूगल मैप्स पे नदी दिख रही थी वो ये वाली नहीं है, और कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। एग्जैक्टली गलत, दिसते लोकेशन दिसते। सो गाइस, हम लोग रास्ता पूरी तरह से चूक गए, मतलब बस थोड़े से इसके लिए हम लोग ने गलत टाइम ले लिया। आप गूगल मैप्स में देख रहे हैं, हमें एक्चुअली जाना था वहाँ पे। वाह, वो लोकेशन यहाँ से दिखाई दे रही है और यहाँ से बहुत ऑसम लग रही है। वैसे ये भी कुछ कम बहुत टाइम स्पेंड कर लिए इस जगह पे, कुछ फोटोज़ वगैरह भी खींचे और इंस्टाग्राम पे हम लोग पोस्ट करने वाले। तो गाइस, आपने हम लोग कब तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मीत का इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड अनअर्बन एक्सप्लोरर्स के ऑफिशियल आईडी को भी फॉलो कीजिए @अनअर्बन एक्सप्लोरर्स। सो चलते हैं अभी नेक्स्ट लोकेशन पे। और गाइज, हम लोग ने जो गलती से जो टर्न लिया था वो रास्ता यहाँ तक जाता है और उधर ब्रिज है, और हम लोग को लगा वही वाली हमारी लोकेशन है, पर अभी हम लोग ने देखा तो वो लोकेशन उस साइड है आगे, तो उस ब्रिज पे से वो लोकेशन दिख रही थी एंड अभी वही जा रहे हैं, पर जगह नहीं है इसलिए हम लोग खेतों के बीच में से जा रहे हैं। तो ये रहा ओरिजिनल रास्ता, इस रास्ते से जाना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, मतलब सिर्फ खेतों में से रास्ता है। हम लोग 15 मिनट से चल रहे हैं, सिर्फ खेतों में से रास्ता है। तिकड़न जायचं होतं, वापस से रास्ता चुके अभी। वापस से हम लोग ने गलत टर्न ले लिया, अभी हम लोग को उधर से जाना है। गाइस, एक और एक बड़ी गलती, हम लोग इसको फॉलो करते करते आए इधर एंड ये देखो, अब इधर से जाना नहीं, हम लोग को टर्न करके जाना पड़ेगा इधर से, फिर ये एंड फिर वहां से। तो गाइस, हम लोग किनारे से जा रहे हैं अभी, बहुत बार गलत रास्ते पे आ गए थे हम लोग, 5-6 बार तो हम लोग ऐसी रास्ता कोई भी गलत रास्ता ले रहे थे। अभी भी हम लोग को थोड़ा डाउट है इस पे। शिट, तो हम लोग के सब गलत रास्ते हो रहे थे, जो भी रास्ते से आ रहे थे सब गलत ही हो रहे थे, तो हम लोग ने वो दोनों लोग दो लोकल लोगों को फॉलो किया एंड आई थिंक हम लोग आ चुके हैं उधर। इधर भी कुछ तो टूटा हुआ घर है एंड आगे भी है, उधर भी जाएंगे। गाइस, तो ये लोकेशन देखो सही है एंड हमको उधर जाना है वहाँ पे। I can't believe it.
गाइस शूज़ और सैंडल्स की हालत देखो आप। ये देखो वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे रास्ता है वहाँ पे जाने के लिए, तो वो रही लोकेशन गाइस। गाइस और फाइनली लोकेशन पे आ गए एंड रास्ता मिल नहीं रहा, वो एक छोटा सा ऐसे पानी के बीच में आइलैंड लग रहा है एंड चारों तरफ पानी है। कैसे जाए मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर देखेंगे अभी। तो अंकल हम लोग की हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पे जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ये रास्ता है वहाँ पे जाने का, अंकल हेल्प कर रहे हैं हमारे। हाँ सो ये नदी है एंड नदी के बीच में समझाना है वहाँ पे। अच्छा हाँ चलो थैंक यू। दिसतो तसा रस्ता इकडे। हो भाई का जागा मी संध्याकाळच्या पहिले जायला लागेल आपल्याला। Finally. सबसे सही जगह है। तो गाइस अनर्बन एक्सप्लोरर्स पूरे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं अभी। ओह शिट, ये लिटरली आइलैंड है, ये लिटरली नदी के बीच में आइलैंड है। मैंने हम लोग अभी वो नदी क्रॉस करके है। अंकल अभी वहाँ पे, वहाँ पे अंकल ने वहाँ से हमें रास्ता दिखाया था। ओहो, अंकल ने हमें बताया कि ये शंकर जी का मंदिर है एंड यहाँ पे एक रास्ता था पहले जिसको बाद में तोड़ दिया गया था, ऐसे अंकल ने हमें बताया। सही में मौसम है जो भाई। अंकल ने हम लोग को एक एडवाइस दी है कि 10 मिनट में इधर से निकल जाए क्योंकि शाम का वक्त है एंड वाटर लेवल बढ़ जाता है यहाँ पे थोड़ी देर में। एंड जैसे कि हम लोग अभी इधर से ही आए एंड पानी इधर इतना भरा हुआ है, सो इससे ऊपर भी हो सकता है शाम तक, सो रिस्क नहीं लेना इसलिए हम लोग 10 मिनट में निकल जाएंगे यहाँ से। एक्चुअल में हम लोग ने यहाँ पे चप्पल निकाले, मतलब अंदर की तरफ, बाहर निकालनी चाहिए थी एक्चुअली, बट बाहर बहुत ज़्यादा घास है और मुझे तो यहाँ पे भी चप्पल निकालने से डर लग रहा है, लेकिन निकालनी पड़ती है चप्पल। आइसोलेटेड जगह है, बहुत ही आइसोलेटेड जगह है, साँप वाप होना तो बहुत कॉमन चीज़ होगी एंड आई गेस मैं सरप्राइज भी नहीं रहूँगा अगर यहाँ पे कोई साँप दिखाई देगा मुझे तो।
चले अंदर। चलो मंदिर के अंदर भी सबने गंदा करके छोड़ दिया। एंड ये लोकेशन एक आइलैंड टाइप है और वो भी नदी के बीच में, कोई लेक के बीच में नहीं है, ये नदी है, फ्लोइंग रिवर है। सो हम लोग को अभी जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। एंड जिन अंकल ने हम लोग को जो रास्ता बताया था वो अभी भी हम लोग का उधर वेट कर रहे हैं। सो गाइस यही एंड करते हैं आज का ब्लॉग। ये अमेजिंग सी लोकेशन एक नदी के बीच में एक आइलैंड पर है एंड यहाँ पे पहुँचना पहली बात तो बहुत मुश्किल चीज़ है, इसलिए ज़्यादा किसी को पता नहीं है इस जगह के बारे में। हमने हमारे एक लोकल दोस्त को भी पूछा, उसको भी इसके बारे में पता नहीं था। एंड हम लोग बहुत दूर चल के आए एंड शाम के टाइम पर टाइड राइज होती है नदी के अंदर भी, तो पानी का लेवल अभी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और अंधेरा भी हो रहा है अभी, मतलब सनसेट हो जाएगा अभी। 6-7 बज चुके हैं गाइस, 6 नहीं 7 बज गए। 6 बज चुके, 6 बज चुके। हाँ तो 6 बज चुके, अभी 7 बज चुके, नहीं रुक सकते अभी, घर जाना है। अभी 7 बज जाएंगे फिर अंधेरा हो जाएगा, अभी ऑलमोस्ट सनसेट होना शुरू हो गया। और यहाँ से निकलना और वापस उतने रास्ते पे चल के फिर गाड़ी से फिर घर पे भी जाना है। तो गाइस ये बहुत टफ जगह थी हम लोग ने आज तक एक्सप्लोर की है। वो पानी के बीच में से आया, हम लोग को पता नहीं था रोड हो सकता है कि नहीं, पर वो अंकल ने हेल्प किया। इधर के लोग बहुत ही काइंड है, अभी भी हम लोग के लिए उधर रुके हैं वो अंकल, उनका भी वीडियो बनाएंगे अभी हम छुप छुप के। एंड एक्चुअली गाइस यहाँ पे हम लोग ने व्लॉग बनाया, लेकिन इससे पहले भी हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आए एक्चुअली। मतलब हमने आधा रास्ता तो हम लोग ने व्लॉग नहीं किया, यहाँ पे आने के बाद हम लोग ने व्लॉग शुरू किया। एंड बहुत टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए भी, ये बहुत ही एकदम रिमोट जगह पे ये जगह, एंड यहाँ पे आजू बाजू भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। सो गाइस एंड करते यही पे आज का व्लॉग, हम लोग बहुत थक चुके हैं अभी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। एंड गाइस प्रोजेक्ट 30 के लिए वेट करते रहिए और बहुत सारे वीडियोज़ आने बाकी है। ओवर एंड आउट।